राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी। इस कार्यक्रम में दादाजी मगरमच्छ और बगुले के बारे में बताएंगे। आलेख जीडी शर्मा का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो भाई दादाजी आ रहे हैं तुमसे बातचीत करने, लेकिन हाँ भाई जरा जोर से राम राम कहना। तो आइए दादाजी। प्यारे बच्चों राम राम। दादाजी राम राम। अरे राम राम दादाजी, आज आप क्या सुनाएंगे? कल तो आपने खूब कविताएं सुनाई, बहुत मजा आया दादाजी। आओ बच्चों तुम्हें सुनाऊं भेद भरी एक बात। बताऊं? बताओ। जंगल में एक तालाब पुराना, उसमें रहता मछली का नाना। हाँ मछली का नाना। भाई सुनो तो सही, एक दिन मैं तालाब की ओर गया तो वो तालाब से बाहर निकलकर रेत में लेटा हुआ धूप सेक रहा था। पड़ा हुआ जैसे लकड़ी का कुंदा, रंग था उसका मटमैला गंदा। देख उसे मैं डर कर भागा, आहट सुनकर वो भी जागा। मुड़कर देखा वो सरक रहा था, धीरे से वो खिसक रहा था। हाँ मछली का नाना ये पानी में रहता है। कौन है ये मछली का नाना? अरे बच्चों इसका नाम है मगरमच्छ। क्या नाम है इसका? मगरमच्छ। मगरमच्छ। अरे तुमने छिपकली देखी है ना? हाँ देखी है। बस वैसा ही होता है, पर ये मगरमच्छ तो छिपकली से बहुत बड़ा होता है। इसका मुंह बहुत लंबा होता है। जब ये अपना मुंह खोलता है तो लगता है जैसे कोई गुफा हो। प्यारे बच्चों ये बड़ा खतरनाक होता है। ये तो पानी का राजा है। इसकी पकड़ में आने के बाद कोई छूट नहीं सकता। हिरन गीदड़ खरगोश बछड़ा यहाँ तक बघर्रा और नाहर को भी ये नहीं छोड़ता। मगरमच्छ तो नदी और तालाब में घात लगाकर बैठ जाता है। तो बताओ मगरमच्छ कहाँ रहता है? पानी में। और बगुला कहाँ रहता है? दादाजी बगुला क्या होता है? अरे बच्चों तुमने बगुला का नाम नहीं सुना? नहीं दादाजी। बगुला भी पानी के किनारे रहता है, ये पानी में तैरता भी है, पर हमने तो उसे सदा चुप
चुपचाप खड़े देखा है, कभी दोनों टांगों पर, कभी एक टांग पर। अरे भाई, बगुले की तो कुछ मत पूछो, बड़ा धोखेबाज है, पानी में घंटों खड़ा रहता है। और मछली मेंढक समझते हैं कि ये तो कोई लकड़ी है, बेखटके वो उसके पास चले जाते हैं। ये बगुला झट से इन्हें अपनी चोंच में लपक कर खा जाता है। दादाजी, ये तो सचमुच बड़ा चालाक होता है। हाँ, बड़ा चालाक होता है ये। जानते हो इस बगुला को क्या कहते हैं? अरे, इसे बगुला भगत कहते हैं। अच्छा तो प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें बगुला की एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक गांव में बहुत बड़ा पक्का तालाब था। क्या था? तालाब था। हाँ, वहीं एक बगुला भी रहता था। बगुला किसी तरह उन मछलियों को खा जाना चाहता था। उस तालाब में ढेर सारी मछलियाँ रहती थीं, पर वो सबको कैसे खाए? फिर उसे एक उपाय सूझा। क्या सूझा? उपाय सूझा। हाँ, एक उपाय सूझा। एक दिन वो बगुला तालाब के किनारे खड़ा होकर रोने लगा। मछलियों ने उसे रोते हुए देखा तो उसके पास आई और बोली, भैया क्या बात है, सुख चैन तो है? बगुले ने जवाब दिया, अरे अब सुख चैन कहाँ, अरे सारा तालाब 10 दिन बाद सूख जाएगा, बस मैं तो तभी से दुखी हो रहा हूँ। ओ मेरी ललमुनियों, मेरी आँखों की पुतलियों, अब तुम्हारा क्या होगा, तुम सब बिना पानी के मर जाओगी, इसीलिए रो रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, बगुले की बात सुनकर मछलियाँ घबरा गईं और बोली, बगुला भैया अब क्या होगा, हम कहाँ जाएंगी? बगुले ने देखा कि मछलियाँ सचमुच घबरा गई हैं, बस उसने मौके का फायदा उठाया और बोला, डरो मत, मत घबराओ, अब तो जान बचाने की एक ही तरकीब है। कच्चा तालाब है यहाँ से थोड़ी दूर पर, बस गया और आया। अरे बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या हुआ, अब भी 4-6 मछलियों को चोंच में दबाकर कच्चे तालाब में पहुँचा सकता हूँ। चलो, जिसे चलना हो चलो। तो प्यारे बच्चों, मछलियां उस दूसरे तालाब में जाने के लिए तैयार हो गईं। बगुले ने 4-5 मछलियों को चोंच में दबाया और उड़ गया। एक जगह जाकर वो बगुला उन्हें खा गया और फिर वापस आ गया। इस तरह उसने 3-4 चक्कर लगाए और वो ढेर सारी मछलियां खा गया। और तो और, कुछ मछलियों को एक जगह रख भी दिया। उस तालाब की मछलियां समझती रहीं कि उन मछलियों को दूसरे तालाब में छोड़ दिया होगा। जब उसका पेट भर गया तब बोला,
अरे भाई, अब मैं थक गया हूँ। कल सूरज निकलने से पहले आऊंगा। तुम सब तैयार रहना, तुम सबको वहां पहुंचा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह 5-6 दिन उसने खूब दावत उड़ाई। जानते हो बच्चों, 7वें दिन जब वो मछलियों को चोंच में दबाकर उड़ने वाला था कि एक बड़े से केकड़े ने कहा, भगत जी मुझे भी ले चलो। केकड़े को देखकर बगुले के मुंह में पानी भर आया। बगुला बोला, अच्छा भाई तुम भी आओ, मेरी गर्दन पर बैठ जाओ। ये कहकर उसने गर्दन नीचे झुका दी। केकड़ा उछलकर गर्दन पर सवार हो गया। थोड़ी दूर जाकर बगुला एक जगह नीचे उतरा और जहां उसने कुछ मछलियों को इकट्ठा करके रख दिया था, उनमें से एक-एक करके मछलियों को खा गया। केकड़े ने देखा तो घबरा गया। बगुले ने गर्दन को झटका देकर उसे नीचे फेंकना चाहा। तो जानते हो बच्चों क्या हुआ? उस केकड़े ने अपने पंजों की कैंचियां गर्दन पर कस दी। बगुले को गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या करता है रे, नीचे उतर। केकड़े ने अपने पंजों की कैंचियां और जोर से कस दी और बोला, भगत जी नीचे तो उतरूंगा, पर पानी में ही, यहां नहीं। मुझे वापस तालाब में पहुंचा दो। तो बच्चों, बगुला उड़कर तालाब के किनारे पहुंच गया और सीढ़ी पर खड़ा हो गया और केकड़े से बोला, अब तो उतरो भाई। केकड़े ने अपने पंजों की कैंचियां बगुले की गर्दन में घुसेड़ दी। बोला, अब तुझे नहीं छोड़ सकता भगत जी। ये कहकर उसने बगुले की गर्दन काटकर अलग फेंक दी। ये देखकर मछलियों ने कहा, अरे अरे ये क्या किया तुमने? केकड़े ने कहा, बड़ा धोखेबाज था ये बगुला, कच्चे तालाब का तो बहाना था, ये थोड़ी दूर जाकर मछलियों को खा जाता था। अरे तुम लोग तो अपने दुश्मन की बात पर भी विश्वास कर लेती हो। तो बच्चों, मछलियां बड़ी खुश हुई और केकड़े से बोली, काका आपने हमें बचा लिया, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों, इस तरह मछलियां उसी तालाब में बड़ी खुशी से रहने लगी। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? दादाजी बहुत अच्छी। अच्छी लगी ना? अच्छा मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम दादाजी। हे राम राम। दादाजी राम राम। ओ राम राम। दादाजी राम राम। हे राम राम। और अब दोस्तों, कहो जय हिंद।